अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लालीज किचन। आज मैं आपको चिकन शामी कबाब बनाना सिखा रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लाती रहूँ मज़ेदार रेसिपीज। अस्सलामुअलैकुम, मैं आज आपको शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमने ये 2 किलो की मुर्गी ले ली है। इनको आप 4 पीसेस में करा लें। 2 प्याले चने की दाल, नमक कम अज़ कम ये 3 चाय वाले चम्मच होंगे, साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा। गरम मसाले में हमने ले लिया है मोटी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी का एक टुकड़ा, मतलब ये दोनों आपने गरम मसाला लेना है। प्याज 2 अदद, एक बड़ा ले लें या 2 छोटे साइज़ के। 6 से 7 तुरियां लहसुन की और एक छोटा सा टुकड़ा, 1/2 इंच का छोटा सा टुकड़ा आप ले लें अदरक का। 4 अदद अंडे डालेंगे, 1 प्याला तेल का, आधी गट्ठी पुदीने की और आधी गट्ठी हम धनिया की इसमें डालेंगे। टुकड़े 4 टुकड़े चिकन के रख लें। मैं ये दोनों मतलब मुर्गी और दाल इकट्ठी डालती हूँ। आप ये भी डाल लीजिए यखनी के लिए। आप दाल को अच्छी तरह धो लें, इसका हम पानी गिरा लेंगे। ये इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके अंदर अब हम ये एक छोटा सा पीस अदरक का, ये 6 से 7 तुरियाँ, 7-8 तुरियाँ मतलब 1 गट्ठी थी लहसुन की हमने डाल दी। गरम मसाला जिसमें 2 मोटी इलायची, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 5 से 6 काली मिर्चें, 2 चावल खाने वाले चम्मच, टेबलस्पून ज़ीरा और ये लाल मिर्च। आप चाहे ये वाली मिर्च डाल लें या बदरी गोल मिर्च जो ये इसके अंदर डाल लेंगे। नमक अभी हम इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे, वो बाद में जब हम इसको पीसेंगे मसाले को तो उस टाइम हम डालेंगे। और प्याज भी उसी टाइम डालना है। अब हम इसके अंदर कम से कम 1/2 लीटर के करीब पानी लगा के इसको हम प्रेशर दे देंगे। इन सब मसालों के साथ अब हम चिकन को प्रेशर दे देंगे। हमारी चिकन भी गल गई और दाल भी अच्छी तरीके से नरम हो चुकी है। अब हम इसके चिकन श्रेड करेंगे और बाकी इन्ग्रीडियंट्स मिक्स करेंगे। आप इसको अच्छी तरीके से हाथ धो लें प्लीज़, क्योंकि इसमें हाथ का बहुत अमल दखल है, या आप ग्लव्स पहन लें और गोश्त को अच्छी तरीके से आप उतार लें। मोटे टुकड़ों में कर लिए और ये दाल भी मैंने अब इसके अंदर ये जो हमने 2 प्याज लिए थे वो शामिल कर देंगे, और हरा धनिया और जो पुदीना है वो हम बाद में डालेंगे। ये ना तो कबाबों को डार्क शेड में हो जाते हैं अगर आप इनको मशीन, अब हम इसको इस सारे मिक्सचर को मशीन में से गुजारेंगे। और इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची भी शामिल मैं करूँगी। 4 से 4 हरी मिर्चें मैंने साथ इसमें डाल दिया। अब हम इनको मशीन में से गुजारेंगे और फिर हम अंडे, धनिया और पुदीना और तेल शामिल करके टिक्कियाँ बनाएंगे। आप इसका अच्छी तरह ये आप देख लें कि इसका हमने मैंने मैनुअल तरीके से हाथ की मशीन से ये कीमा बनाया और ये कीमा रेडी हो गया। हम इसमें बाकी मसाले मिलाएंगे। ये हमारा कीमा रेडी हो गया, मतलब हमने वो चने की दाल, और अब इसके अंदर हम 2 चम्मच के करीब ये जो नमक हमने लिया था ये हम डाल लेंगे। एक प्याली हरा धनिया, ये आपने मशीन में से नहीं गुजारना ना तो टिक्कियाँ काले रंग वो मतलब डार्क हो जाती हैं, और 1/2 प्याली पुदीना। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके हाथ आप अच्छी तरह धो लें और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 4 अंडे आप तोड़ लें, अलग कंटेनर में तोड़ लेना बेहतर होता है कि वो ख़राब ना हो। हमने 4 अंडे इसमें शामिल कर दिए। अब हम इसको अच्छी तरह अंडों के साथ मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर 1 प्याली ये बल्कि 1 प्याली तेल भी आप साथ ही डाल दें, चाहें तो आप बटर भी डाल सकते हैं, इससे कबाब आपका नरम बनता है। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और जब आप ये अच्छी तरह मिक्स कर लें तो आप उसकी छोटी सी टिक्की बना के फ्राई करके देख लें। अगर नमक कम ज़्यादा हो तो दोनों को यहाँ आप इलाज कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो तो आप बेसन डाल सकते हैं और कम हो तो आप नमक ऐड कर लें। ये अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं आप, और इस तरह आप टिक्की बना लें
और अब हम इसको फ्राई करके मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा ये डीप फ्राइंग नहीं चाहिए, शेलो फ्राइंग में ये वन बन जाते हैं क्योंकि इनमें अंडा अंदर शामिल किया हुआ है हमने। तो ये अंडा शामिल कर लेते हैं तो ये कबाब आपके चिपकते नहीं है, आप आसानी से इनको मूव कर सकते हैं। कबाब रेडी है, अब मैं इनको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप ये देखें कि कितने ये टेंडर हैं और खस्ता बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ऊपर दिए गए लिंक के जरिए सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें।